गणेश चतुर्थी 22 अगस्त यानी कि शनिवार को है। अगर गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। गणेश जी की मूर्ति घर में लानी चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार सही हो, यानी पुराणों और ग्रंथों में जैसा गणेश जी का स्वरूप बताया गया है उनकी मूर्ति भी वैसी ही होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति जैसी कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर ही मूर्ति खरीदनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति घर में लानी चाहिए या मिट्टी से खुद बनानी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल्स के उपयोग से बनी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सफेद मदार की जड़ से बने गणेश जी की पूजा करना शुभ माना गया है। वहीं धातु यानी कि सोना, चांदी और तांबे की मूर्तियों की भी पूजा कर सकते हैं। बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से स्थायी धन लाभ होता है और कामकाज में आने वाली रुकावटें खत्म हो जाती हैं। गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है, इसलिए उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न हो ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन ना हो ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में गणेश जी को धूम्र वर्ण बताया गया है, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान है, इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी को भालचंद्र भी कहते हैं, इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिनके भाल यानी कि ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनके हाथों में पाश और अंकुश दोनों हो। शास्त्रों में गणेश जी के ऐसे रूप का ही वर्णन मिलता है। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।